बाकी जो मेरा करवा है ना वो मम्मी की साइड से आने वाला है, क्योंकि ऐसा कि अगर कोई शादी करने का मन बना रहा हो तो उससे पहले मेहंदी सीख ले, क्योंकि ये सब भी करना पड़ेगा आपको। जी कौन सा स्टाइल है मेहंदी लगाने का? तो एक पैर की मेहंदी में लगा चुका हूँ। तो इस मेहंदी को थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ, बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं किरण जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम से, शाम के बजे हुए अभी 5:30। और मौसम की बात की जाए ना तो अंधेरा भी होने लग गया है और ठंडा ठंडा मौसम, अब यहाँ को भी ठंडा होने लग गया है, पहाड़ों में तो ठंडा हो ही रहा था यहाँ भी। और मैं आपको मिलाती हूँ अपनी मिंटू से। ये देखो मैंने आपको दिखाई थी ना अपनी बिल्ली, यानी कि उसका नाम मैंने पिंटू रखा हुआ था, तो पिंटू भी है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे मिस्टर हस्बैंड ने ना उसे वापस दे दिया था जहाँ से लेकर आए थे, और कल हमने फिर मंगवाई है। तो पिंटू के साथ एक और बिल्ली मंगवाई है, ये है मिंटू। हाँ हाँ मिंटू। और ये देखो कितनी प्यारी सी है वाइट कलर की, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। अरे चिल्ला मत यार। और ये है हमारा पिंटू, तो पिंटू और मिंटू अब दोनों रहेंगे। और अभी ना मैं छत में आई हुई हूँ, छत में मुझे उठाने हैं कपड़े, उसके बाद हमें ना मार्केट जाना है। और मार्केट क्यों जाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और उसकी ना शॉपिंग करने के लिए जाना है। अब 2 ही दिन बचे हैं और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के हम, मतलब मेरे मिस्टर हस्बैंड और मैं दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो कपड़े भी मैंने उठा लिए हैं, आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये भी आ गए हैं, इन्होंने दोनों के साथ ऐसे खेलने में लगे रहते हैं ना, ये बच्चों की तरह बिल्कुल। अरे अरे कितने प्यारे से बैठे हैं यार दोनों। मिंटू पिंटू हम जा रहे हैं, ठीक है, घर की रखवाली करना इधर। ओके ओके। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी चलते हैं मार्केट को। तो अभी हम पहुंच गए हैं साड़ी की शॉप में, सबसे पहले हम लेंगे साड़ी। तो साड़ी हमने ले ली है, अभी हम पहुंचे हुए हैं दूसरी शॉप पर और यहाँ पर से लेते हैं कुछ श्रृंगार वाला सामान। ये ब्लॉग तो नहीं बना रही तू? हाँ, ब्लॉग ही बन रहे हैं। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे से सब्जी, अभी हमारी आधी शॉपिंग हो गई और हमें मिले हैं भैया। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, आधी शॉपिंग हुई है और बाकी जो बची है ना वो कल को फिरेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो गाइस मैं आपको मिल रही हूँ सीधे अगले दिन। और अभी ना मैं जा रही हूँ मार्केट फिर से, क्योंकि उस दिन मेरी आधी शॉपिंग हो गई थी और आधी बची हुई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। हम ना मार्केट से आ चुके हैं सारा सामान लेकर के, और ये लगे हुए हैं मिंटू के साथ और पिंटू को इन्होंने भगा दिया पता नहीं कहाँ को। ओ बाथरूम के अंदर गया है वो, नहाने गया है क्या? तो मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है और मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले ना मैं देने वाला सामान दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं ना अपनी सासू मामी के लिए लेकर आई हूँ साड़ी, जो कि ऐसी है, ये है, ये उनके लिए साड़ी, और ये ना ग्रीन कलर की साड़ी है और इसका ब्लाउज जो है वो ऐसा है कंट्रास्ट में, बहुत सुंदर है साड़ी, बड़ी प्यारी लग रही थी। अब सासू माम को पता नहीं कैसी लगती है, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं ये उनको देने जाऊंगी तब। और बाकी ना सारा श्रृंगार का सामान आया हुआ है, उसमें मैं लेकर आई हूँ ये बिछिया पायल जो भी होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हुई हूँ। और सेम एक और ऐसा ही सेट लेकर आई हूँ, वो मैं बुआ को देने वाली हूँ। और बाकी ना मैं अपने लिए तो मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, मैंने सिर्फ अपने लिए एक ड्रेस ली है जो कि मेरे मिस्टर हस्बैंड ने मुझे दिलवाई है, वो है कुछ ऐसी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको।
ये ना कुछ इस तरीके की है और कल मैं इसको पहनूंगी, फिर आप पूरा देख लेना कि किस टाइप की है करके। और बाकी मैं ये थोड़ा बहुत पूजा का सामान लाई हूँ, थोड़ा बहुत क्या मतलब जो जो होता है वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। इसके अंदर है सब कुछ, प्रसाद है और ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये है और ये फ़ोटो है करवा चौथ वाली जिसमें ना पूजा करेंगे। बाकी फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं और मिठाई वगैरह लेकर आई हूँ। और बाकी जो मेरा करवा है ना वो मम्मी की साइड से आने वाला है, क्योंकि ऐसा मौसी ने मुझे बताया कि जो भी करवा होता है वो मम्मी देंगी, उसमें कुछ चीनी डाल के, और मतलब वो चीनी वगैरह डाल के यहाँ आएगा मेरे पास, ऐसा मुझे पता तो नहीं था, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं खरीद के लाई हूँ। बाकी यही था मेरा सारा शॉपिंग का सामान। हमारा खाना भी हो चुका है, 10 बज चुके हैं और अभी ना मेरे हाथ और पैरों में मेहंदी भी नहीं लगी है। अब स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। मेरे मिस्टर हस्बैंड ढूंढ रहे हैं मेहंदी का डिज़ाइन, क्योंकि ये मेरे हाथ और पैरों में दोनों जगह ना पैर वाली सिंपल मेहंदी डिज़ाइन और ढूंढ भी क्या रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, अरे कितना अलग रहे लोग, पैर वाली सिंपल मेहंदी करके ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरे पैरों में कैसी मेहंदी लगाते हैं, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। कैसी मेहंदी लगाओगे? बहुत बढ़िया, वो तो लगा के पता लगेगा कह के क्या होता है। वो दरवाजे में चढ़ गए, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसके तो मेहंदी लगाना कर रहे हैं ये स्टार्ट, और अभी तो डिज़ाइन ही देखने में है, सोच रहे हैं कैसे लगाऊं कैसे लगाऊं। करो फिर स्टार्ट। मेहंदी के लिए आप बुक कर सकते हैं शादी पार्टी मेहंदी आर्टिस्ट पेंसिल जोशी। अच्छा ठीक है, सबसे सस्ते दामों में आपके लिए। ओके, आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या कि अगर कोई शादी करने का मन बना रहा हो तो उससे पहले मेहंदी सीख ले, क्योंकि सब भी करना पड़ेगा आपको। कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मेहंदी का कोर्स कर लें, जैसे मैं सीख जाऊँगा तो उसके बाद कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर लूँगा, ताकि जो नए शादी करने वाले हैं इनके मन में विचार आ रहा हो तो उनके लिए एक क्रैश कोर्स 3 महीने का, एक जो है सफल जो है वैवाहिक जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक है। ओके नाउ स्टार्ट। ये मेरे प्यारे से पैर, गोरे गोरे से पैर इनमें लगेगी प्यारी सी मेहंदी। तो ये एक लाइन मैं बना चुका हूँ दिखाओ मेरी मेहंदी दिखाओ अरे दिखाओ क्या दिखाऊं, मेहंदी दिखाओ मेरी। हेलो तो गाइस, ये मेरी मेहंदी की शुरुआत है, आप देख सकते हैं एक लाइन ऐसी खींची जाती है मेहंदी बनाने के लिए हंस क्यों रहे हो, ये दो लाइन लग चुकी है तो ये दो लाइन है जिनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, बस तो पैरेलल लाइन का ये एग्जांपल देख सकते हैं यानी कि दो ऐसी लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, तो ये दो पैरेलल लाइनें मैं बना चुका हूँ। यार मेहंदी लगाओ जल्दी जल्दी, नींद भी तो आ रही, फिर ये कौन सा स्टाइल है मेहंदी लगाने का ये एक्सपर्ट लोग ऐसे लगाते हैं, एंगल होता है ना मेहंदी का कि एक एंगल में बैठ के सारे डिजाइन बन जाएंगे। अच्छा, डिजाइन के हिसाब से पोज होता है मेहंदी का वाह कितने सुंदर दिख रहे हैं। मेरे एक पैर में मेहंदी लगने को है, ये है मिस्टर हस्बैंड की कलाकारी। अभी बचा है कुछ बस अब थोड़ा सा बचा है लगाना, और इतने पोज चेंज कर दिए ना इन्होंने मेहंदी लगाते हुए, बता नहीं सकती मैं। एक पैर की मेहंदी में लगा चुका हूँ, तो इस मेहंदी को थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे किस तरह से आप मैथ का इस्तेमाल करके जो है आप एक मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं बहुत सारी, ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइंस बनाई, फिर उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर्स डाले हैं बहुत सारे, ठीक है, पैरेलल लाइंस देन परपेंडिकुलर्स इस तरह से। बाकी इधर आप जो शेप देख रहे हैं इसको आप पैराबोला समझ सकते हैं, ठीक है, हमने पैराबोला का यूज़ करा हुआ है, बीच में एक सर्कल हमने बनाया हुआ है, देख रहे हो मैथ्स का कैसे इस्तेमाल हुआ है इसमें, हाँ। ये सर्कल है आपका, ठीक है, बाकी फिर हमने यहाँ फिर से पैराबोला यूज़ करा हुआ है और इनके बीच में हमने पैरेलल लाइंस का यूज़ किया हुआ है तो गाइस इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा जो ये हमारा डिज़ाइन है किस तरह से पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर्स, पैराबोला और सर्कल, तो पूरा ज्योमेट्री पर आधारित है। ओके, तो ये मेहंदी को क्या नाम देंगे आप? ये मैथमेटिकल मेहंदी है, मैथमेटिकल ज्योमेट्री मेहंदी, ज्योमेट्रिकल मेहंदी है, तो आप देख सकते हैं मैथ्स का स्कोप कहाँ कहाँ है। हाँ ठीक है, अब दूसरे पैर में तो मैंने यहाँ पर लगा दी है, दूसरे पैर में आपने सिमेट्री का यूज करना है। हाँ सिमेट्री का यूज करिए, फिर आप इधर को जल्दी से सेम आपने सिमेट्री इधर कर देना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो मेरे दूसरे पैर में भी ना मेहंदी लग चुकी है। इसी बीच ना ये मिंटू को लेकर आ गए। देखो ये वाली लाइन बता सही बन रही है। इसके साथ खेले में लगे हुए इसको लेकर आ गए हैं, साथ में पिंटू को भी लेकर आ गए हैं। ये पिंटू तो इधर उधर ही जाने में रहता है, बस हो गया बेकार है। तो गाइस हमारे साथ ना पिंटू और मिंटू भी नहीं सोए हैं अभी तक। पिंटू तो ये रहा ये, और मिंटू कहाँ गई? मिंटू कहाँ गई? मिंटू कहाँ गई? कहाँ गई पता नहीं, कहाँ गई अभी तो यहीं पर थी। ये देखो पिंटू भी मिंटू भी आ गई, दोनों के दोनों लगे हुए यहाँ पे खेलने में हमारे साथ, उठे हुए हैं अभी तक। ये दोनों भी कल को फास्ट रखेंगे एक दूसरे के लिए। तो ये दोनों हमारे जो हैं सिप सलाहकार हैं जिनकी मदद से जो है ये मेहंदी पूरी हो पाई है अभी। तो इस वाले पैर में इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है। किसका? ये मिंटू का। इसने क्या किया इस वाले पैर में? थोड़ा तो बता रही थी कि ऐसे लाइन बनानी कैसे। अच्छा, अरे हाँ उस टाइम। तो ये हमारे दोनों सिप के सलाहकार हैं, ठीक है, सही बनी है? देख लो एक बार, अभी देख ले, सही बनी है ना? देख रही है दोनों, सही है। देखो देखो मेरे पैरों को देखो जल्दी। हाँ बोल दिया तो सही है, इनका सही तो सही, बस डन हो गया। फिर अब हाथों की बारी। गाइस इनकी हरकतें देख रहे हो आप बिल्लियों को परेशान करने में लगे हुए इतनी देर से ना, क्या बताऊँ मैं। तो गाइस 3 घंटे बाद जो है मेरा मेहंदी का काम पूरा हुआ, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है, काबिले तारीफ। अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ रही है। अरे बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने नींद में बनाया है, और ये मैंने उठते हुए बनाया है ये नींद में है, ये पूरे होश में है। तो मेरी मेहंदी पूरी कम्प्लीट हो गई है, और मैं अपने इस ब्लॉग को ना इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे ही अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।